समय से पहले और भाग्य से ज्यादा नहीं मिलता। दोस्तों, हो सकता है आपने ये लाइन बचपन से लेकर अब तक हजारों बार सुनी होगी, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा नहीं मिलता। हो सकता है आप इस लाइन से सहमत हो और हो सकता है आप इस लाइन से सहमत ना भी हो। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक भांबरी और आज एक बेहतरीन वीडियो लेकर आप लोगों के सामने आया हूं जो ये साबित करेगा कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कहां मिलता है, वहां पर मैं आपको लेके चलूंगा। लेकिन दोस्तों, इससे पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होने वाला है, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं आप अपनी जिंदगी में एक नई दिशा, नए डायरेक्शन की तरफ चलने के लायक बन जाएंगे। दोस्तों, आखिर ऐसा कौन सा फील्ड है, ऐसा कौन सा बिजनेस है, ऐसा कौन सा रास्ता है जहां पर चलकर समय से पहले और भाग्य से ज्यादा मिलता है। दोस्तों, आप जिस भी शहर में रहते होंगे, मुझे नहीं मालूम आप कहां रहते हैं, लेकिन आप ही के शहर की अगर मैं बात करूं, आपने खुद अपने शहर में कुछ ऐसे लोगों को ज़रूर देखा होगा जिन्होंने चंद सालों में बहुत बड़ी ग्रोथ की है। मैं किसी दूसरे विदेश की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आप ही के शहर के लोगों के बारे में बात कर रहा हूं जिन लोगों ने बहुत कम समय में बहुत बड़ी ग्रोथ की है, बहुत तरक्की करी है और कई करोड़ रुपये जिन लोगों ने कमाए हैं। आखिर इन लोगों ने कैसे अपने समय को बदल लिया और इन लोगों ने कैसे अपने भाग्य को बदल लिया, इस टेक्निक को समझने की जरूरत है। समय के भरोसे और भाग्य के भरोसे बैठने की जरूरत नहीं है। कहते हैं ना, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ, एक आइडिया आपकी पूरी जिंदगी बदल देता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि वो कौन सा आइडिया है जो आपके फेवर में आपके समय को लेके आएगा और ऐसा कौन सा आइडिया है जो आपके भाग्य को बदलने की ताकत रखता है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी इंडस्ट्री, एक ऐसे बिजनेस के बारे में आप लोगों से बात करूंगा जिस इंडस्ट्री को, जिस बिजनेस को बहुत ही कम करके आंका गया है, अंडरवैल्यूएट किया गया है, जिस इंडस्ट्री को, जिस बिजनेस को ना समझी की वजह से, बहुत अंडर एस्टिमेट किया गया, बहुत कम करके आंका गया। और आज मैं बात कर रहा हूं वो इंडस्ट्री, वो बिजनेस जिसको हम कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस। दोस्तों, मैं जानता हूं आप में से कुछ लोग इस समय ये वीडियो बंद करना चाहेंगे, लेकिन मैं एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आज इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा, आपके होश उड़ जाएंगे, आपके टांगों के नीचे से जमीन हिल जाएगी और आप कहेंगे कि यार ये बातें तो मुझे पता ही नहीं थी। आज मैं कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ लेकर आया हूं, लेकिन रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो सकता है, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और ये गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपको आज के बाद एक नई दिशा, एक नया डायरेक्शन मिलेगा। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, क्या पावर है इस इंडस्ट्री में, क्या ताकत है इस इंडस्ट्री में, क्या खासियत है इस इंडस्ट्री में, क्या खूबियां हैं इस इंडस्ट्री में, आज मैं आपके साथ वो शेयर करने वाला हूं। सबसे पहली ताकत, सबसे पहली खूबी, जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ बिजनेस शुरू होता है। सर, दुनिया का क्या कोई और बिजनेस जीरो इन्वेस्टमेंट से शुरू हो सकता है? आप सिर्फ 2000, 5000, 10000, 15000 रुपए का कोई प्रोडक्ट एक कंपनी से खरीदते हैं और जिंदगी भर के लिए बिजनेस आपका हो जाता है। आपने प्रोडक्ट अपने इस्तेमाल के लिए परचेज किया, लेकिन उस कंपनी का, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का बिजनेस आपके साथ जुड़ जाता है और इस बिजनेस को आप जिंदगी भर के लिए कर सकते हैं, यानी बिजनेस की इन्वेस्टमेंट बिल्कुल जीरो होती है। दूसरा, नो रिस्क, इस बिजनेस में कोई रिस्क नहीं होता क्योंकि बहुत ज्यादा पैसे लगे हुए नहीं है, तो इस बिजनेस में कोई रिस्क ही नहीं होता। तीसरा, नो लायबिलिटी, मतलब इस बिजनेस में कोई जिम्मेवारी नहीं होती, कोई आपको बिजली का बिल जमा नहीं करना, ऑफिस का बिल जमा नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना, किसी के ऊपर की कोई जिम्मेवारी, कोई लायबिलिटी इस बिजनेस में आपके ऊपर नहीं होती। अगला पॉइंट, नो प्रीमिसेस रिक्वायर्ड। आप सोच सकते हैं यार कि आप बिजनेस स्टार्ट करें, आप बिजनेसमैन बने और आपको किसी जगह की जरूरत ही ना हो। अगर आप एक मोबाइल यूज करते हैं, अगर आप एक लैपटॉप यूज करते हैं, तो ये इंडस्ट्री आपको लाखों करोड़ों रुपए कमाने का मौका दे सकती है बिना किसी प्रीमिसेस के, बिना किसी जगह के। आपका खुद का बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा और वो भी जिंदगी भर के लिए। नो नॉलेज रिक्वायर्ड, कोई नॉलेज की जरूरत नहीं है इस इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए। आपको, आपके पास अगर कोई नॉलेज नहीं है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, धीरे धीरे आप इस इंडस्ट्री में काम करना सीख जाते हैं।
अगला पॉइंट, नो टाइम बाउंडेशन। ये क्या कमाल का बिजनेस है यार, कि इसमें टाइम का ही बाउंडेशन नहीं है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो 9 या 10 बजे आपको ऑफिस पहुंचना है तो पहुंचना है, अगर आप दुकानदार हैं तो आपको 9 या 10 बजे अपनी दुकान खोलनी है तो खोलनी है, लेकिन इस बिजनेस में कोई बाउंडेशन नहीं है टाइम की। आप अगर जॉब कर रहे हैं करते रहिए, रात को घर आकर अगर 2-3 घंटे भी अगर आपने इस बिजनेस के साथ अपना समय बिताया, इस बिजनेस को समय दिया, तो ये बिजनेस आपको लाखों करोड़ों रुपए महीना कमाने का आदमी बना सकता है। अगला पॉइंट, लो ऑपरेटिंग कॉस्ट। लोग बिजनेस में फेल क्यों होते हैं, क्योंकि अपने बिजनेस को चलाने का जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है ना, बिजनेस को चलाने का जो खर्चा होता है वो बहुत होता है, और पहले 2-3 सालों में कोई कमाई तो आती नहीं है, लेकिन ये खर्चा लगातार होता है, पहले दिन से चालू हो जाता है। इसलिए 90% बिजनेस इस दुनिया में, हमारे देश में, हमारे स्टेट में, हमारे शहर में शुरू होने के सिर्फ 3 साल के अंदर अंदर बंद हो जाते हैं, क्योंकि वो बिजनेस को जो रनिंग कॉस्ट होती है, चलाने की जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है, उसको बियर नहीं कर पाते और वो बिजनेस खत्म हो जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का सबसे मजेदार पहलू ये है कि इस बिजनेस को चलाने का ऑपरेटिंग कॉस्ट बिल्कुल ना के बराबर है। अगला पॉइंट, नो एम्प्लॉय टू हायर। आपको किसी को सैलरी नहीं देनी, आपको कोई एम्प्लॉय हायर करने की जरूरत नहीं है, आपके ऊपर कोई लायबिलिटी किसी की नहीं होगी कि मुझे हर महीने इसको तनख्वाह देनी है। अगला पॉइंट, चांस टू अर्न फ्रॉम बिग नेटवर्क। दोस्तों, आप जहां पर नौकरी कर रहे हैं, आप देखिए आप कौन हैं। आप किसी इंसान के नेटवर्क में जॉब कर रहे हैं, वो इंसान आपको सैलरी दे रहा है, यानी उसके नेटवर्क में आप काम कर रहे हैं। आपके नेटवर्क में कौन है यार, क्या आपने कभी सोचा कि आपके नेटवर्क में कौन है जो आपको पैसे कमा के देता है? नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस, ये मौका देता है कि आप भी अपना एक बड़ा नेटवर्क बना पाएं और उस पूरे बड़े के बड़े से बड़े नेटवर्क से पैसे कमा पाएं। दोस्तों सोचिएगा, आप अगर जॉब कर रहे हैं, एक दिन में 10 घंटे अगर आप काम करते हैं और एक लिमिटेड इनकम लेते हैं, लेकिन जहां पर आप जॉब कर रहे हैं, जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं, उसके मालिक के लिए आप जैसे कई हजार, कई सौ लोग काम कर रहे हैं। मान लो अगर 100 लोग भी काम कर रहे हैं और 100 लोग 10-10 घंटे काम कर रहे हैं, तो उस आदमी के नेटवर्क में कितने घंटे रोज काम हो रहा होगा, तो वो आदमी ज्यादा पैसे बनाएगा या आप जैसे पैसे बनाएगा, कम पैसे बनाएगा या ज्यादा पैसे बनाएगा। इसलिए सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर आपको जिंदगी में ज्यादा पैसे बनाने हैं तो आपके पास एक नेटवर्क होना चाहिए जो आपके लिए काम कर रहा हो। अगला पॉइंट है लिवरेज इनकम, यानी एक ऐसा समय आता है कि आप बहुत कम एफर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन आपकी इनकम कई गुना बढ़ रही होती है। अगला पॉइंट है टाइम फ्रीडम। ये बिजनेस आपको कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद टाइम फ्रीडम की तरफ लेकर जाएगा। अभी आपका टाइम कहां लग रहा है, सोचिए ना, अपनी फैमिली के साथ आप सारा दिन तो रहते नहीं हैं। आप कहां रहते हैं, या तो अपनी दुकान में रहते हैं, या अपनी जॉब में रहते हैं, अपने ऑफिस में रहते हैं। आपका जितना प्रोडक्टिव टाइम था वो आपने किसी और जगह पे खर्च किया, सिर्फ पैसे कमाने के लिए खर्च किया, राइट? लेकिन इस दुनिया का जो सबसे महंगी चीज है वो है समय, वो है टाइम, और ये समय निकलता जा रहा है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, जब मैं उनसे पूछता हूं कि बच्चा कितना बड़ा हो गया, कहते हैं इतना बड़ा हो गया। मैं कहता हूं यार बच्चे तो ऐसे बड़े होते हैं, कह रहे नहीं यार, मैं जब आप घर जाता हूं तो वो सोया हुआ मिलता है, और जब घर से निकलता हूं वो तब भी सो रहा होता है, तो मैंने तो उसको ऐसे ही बढ़ता हुआ देखा है। समझ रहे हैं, ये बात भले ही मजाक की है, लेकिन ये जो समय निकल गया जब आपने अपने बच्चों को बड़ा होते हुए नहीं देखा, अपने माता पिता को बुजुर्ग होते हुए नहीं देखा, क्यों नहीं देखा? क्योंकि आप अपने जॉब में, अपने ऑफिस में, अपने दुकान में पैसे कमाने के लिए बिजी थे। ये बिजनेस आपको टाइम की फ्रीडम देगा, सर ये ध्यान रखना। अगला पॉइंट है ह्यूज इनकम पॉसिबिलिटी। आप अगर जॉब में हैं, अगर आप कोई शॉपकीपर हैं या किसी भी प्रोफेशन में हैं, एक लिमिटेशन होगी कि आपकी जॉब आपको इतनी ही सैलरी देगी, आपकी दुकान आपको इतनी ही इनकम देगी, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस एक ह्यूज इनकम देने की संभावना देता है, ह्यूज इनकम देने की पॉसिबिलिटी रखता है। सर अगले पॉइंट के ऊपर बात करता हूं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टाइम। यहां पर अगर आपके साथ 20, 50, 100, 200, 2000, 5000, 10000 लोग अगर हो गए और हर इंसान ने 2-2, 3-3, 5-5 घंटे भी काम किया, ये सारे का सारा काम आपके नेटवर्क में हो रहा है, यानी ये जितना भी काम होगा वो आपके टाइम को मल्टीप्लाई करने के लिए ही इसका काउंटिंग होगा, यानी वो जितना काम हो रहा है वो आपके लिए हो रहा है, इसका मतलब आपके टाइम का मल्टीप्लीकेशन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में होता है।
अगला पॉइंट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ एफर्ट्स। आप अकेले काम कर रहे हैं अपनी जॉब में, अकेले पैसे कमा रहे हैं, लेकिन जब आपका नेटवर्क बहुत बड़ा हो जाता है और हर इंसान अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करके, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, अपनी जुबान का इस्तेमाल करके बिजनेस को प्रमोट कर रहा होता है, यानी हर इंसान का एफर्ट आपकी इनकम में जुड़ता है, यानी आपके एफर्ट का मल्टीप्लिकेशन हो गया, आपके एफर्ट का मल्टीप्लिकेशन हो गया। अगला पॉइंट है सर पैसिव इनकम। इसके बारे में लोग बात ही नहीं करते हैं। किसी ने कहा है मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, पैसा तब भी बनना चाहिए जब आप सो रहे हों। इसका मतलब जब आप सो रहे हों और आप तब भी आपके लिए पैसा बन रहा है, वो इनकम आपकी पैसिव इनकम है। वो इनकम नहीं कि आप अपनी ड्यूटी पे गए, अपनी दुकान खोली, सारा दिन मेहनत करी और महीने में एक बार पैसे लेके आए। वो इनकम एक्टिव इनकम है सर। अगर आप खुद मौजूद रहेंगे पैसा बनेगा, मौजूद नहीं रहेंगे पैसा नहीं बनेगा। लॉकडाउन ने हमें बता दिया एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में क्या फर्क होता है। लॉकडाउन में आप घर पे बैठे थे, आपके लिए पैसा नहीं बन रहा था, लेकिन पैसिव इनकम क्या है? आप अपने घर में बैठे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन आपका नेटवर्क काम कर रहा हो और आपके लिए इनकम बन रही हो, इसे कहते हैं पैसिव इनकम। यह देता है सर नेटवर्क मार्केटिंग। अगला पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वर्क। बाउंडेशन नहीं है सर। लोगों को 25-25 साल हो गए 9 बजे ऑफिस पहुंचते हुए, 25-25 साल हो गए 9 बजे अपनी दुकान का शटर ऊपर करते हुए। कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है आपके काम में। नेटवर्क मार्केटिंग आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है। जब आपका दिल करे इस बिजनेस में एक्टिव हो जाओ, तब जब आपका दिल करे रेस्ट मोड में चले जाओ, जब दिल करे काम करो, जब दिल करे काम ना करो। ये फ्लेक्सिबिलिटी दुनिया में और किसी बिजनेस में नहीं मिल सकती, सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में मिल सकती है। अगला पॉइंट, अपॉर्चुनिटी टू वर्क फ्रॉम होम। घर से काम करने की ताकत क्या होती है लॉकडाउन में हम सबको पता चला, और ये इकलौता बिजनेस है जो आपको अपने घर से काम करने का मौका देता है। अगर आप दुकानदार हैं, जॉब कर रहे हैं, कुछ दिन आपका वर्क फ्रॉम होगा, वर्क फ्रॉम होम होगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद आपको दोबारा ऑफिस में जाना ही पड़ेगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जिसको आप जिंदगी भर अपने घर से इस बिजनेस को काम कर सकते हो, क्योंकि अगले पॉइंट के ऊपर जो मैं बात करने वाला हूं वो है 100% ऑनलाइन बिजनेस। ये इंडस्ट्री 100% ऑनलाइन बिजनेस है। 100% आप सिर्फ अपने मोबाइल से बैठकर पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में अपने बिजनेस को फैला सकते हैं। अगला पॉइंट, डोंट रिक्वायर एनी प्रोफेशनल डिग्री। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। किसी प्रोफेशनल डिग्री की जरूरत ही नहीं है इस इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए। आप डॉक्टर हैं, आप सीए हैं, आप लॉयर हैं, आप क्या हैं? अगर आप डॉक्टर हैं, आपके नाम के आगे खाली एक ही काम जुड़ेगा। लॉयर हैं तो आपके नाम के आगे खाली एक ही काम जुड़ेगा। यानी सारी बाउंड्रीज आपके चारों तरफ आ गई, आप उस बाउंड्री को तोड़ नहीं सकते। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आप कुछ भी हैं, लेकिन ये इंडस्ट्री आपसे कोई डिग्री नहीं मांगेगी। ये इंडस्ट्री सिर्फ एक चीज़ मांगेगी कि अपनी कामयाबी के लिए आप ज़िद्दी हैं या नहीं हैं। अगर अपनी कामयाबी के लिए आप ज़िद्दी हैं, ये इंडस्ट्री आपको करोड़पति बना देगी। अगर अपनी कामयाबी के लिए ज़िद्दी नहीं है, किसी और की गुलामी करके आप खुश हैं, ये इंडस्ट्री आपके लिए नहीं है। अगला पॉइंट है सर, योर इनकम इन योर हैंड्स। आपकी कमाई आपके हाथों में है। कोई और डिसाइड नहीं करेगा कि महीने में आप कितने पैसे कमाने वाले हैं। आपका बॉस डिसाइड नहीं करेगा कि एक महीने में आपकी कीमत क्या होनी चाहिए, आपकी औकात क्या होनी चाहिए। आप खुद डिसाइड करेंगे कि एक महीने में मुझे कितने पैसे अपने घर पे लेके जाने हैं। आप डिसाइड करिए और ऊपर वाला तैयार बैठा है आपको आपकी इनकम, आपकी ड्रीम इनकम तक ले जाने के लिए। ये फायदा है इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का। अगला पॉइंट, लो कॉस्ट एंड हाई प्रॉफिट। ना के बराबर खर्चा और बहुत बड़ी इनकम करने का मौका ये देता है नेटवर्क मार्केटिंग। अगला पॉइंट है इनकम फ्रॉम पैन इंडिया, चांस टू अर्न फ्रॉम पैन इंडिया। दोस्तों बुरा मत मानना, अगर आपने हल्दीराम की फ्रेंचाइज ले ली, नाथूस की फ्रेंचाइज ले ली, मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइज ले ली, आप पैसे कहाँ से कमाएंगे? मान लो आपने 4 करोड़ रुपए खर्च करके मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइज ले ली, आप पैसे पता है कहाँ से कमाएंगे? जहाँ पर आपका आउटलेट है,
उसके सिर्फ 5 किलोमीटर के अंदर से आप पैसे कमाएंगे। मान लो आपने दिल्ली के लाजपत नगर में मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइज ली और बॉम्बे में आपका सगा भाई रहता है, उस सगे भाई से आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा होगा सर, आपके पक्के दोस्त बॉम्बे में रहते हैं, वो आपके पास आके बर्गर खाने वाले नहीं हैं, उनको बर्गर खाना होगा वो बॉम्बे से ही खाएंगे और आपको 1 रुपया नहीं मिलेगा, राइट सर। नेटवर्क मार्केटिंग मौका देता है कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आपके थ्रू अगर बिजनेस पहुंचा, आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने से पैसे कमाएंगे। हो सकता है आप दिल्ली में बैठे हैं और आपका एक दोस्त आगरा से जुड़ा और आगरा वाले दोस्त ने गोवा में अपने दोस्तों को बिजनेस रिकमेंड कर दिया, आप दिल्ली में बैठे हैं और आप गोवा से पैसे कमा रहे हैं, दिल्ली में बैठे हैं और आप आगरा से पैसे कमा रहे हैं, गोवा वाले ने बॉम्बे रिकमेंड कर दिया, दिल्ली में बैठे हैं और आप बॉम्बे से पैसे कमा रहे हैं। समझिएगा सर, इस इंडस्ट्री की ताकत को, इस बिजनेस की ताकत को समझने की जरूरत है। अगला पॉइंट, Anyone can do this business. ये बिजनेस कोई भी कर सकता है, कोई टैग नहीं लगेगा कि आपने ये पढ़ाई कर ली तो अब आप ये काम नहीं कर सकते। हिंदुस्तान का हर इंसान जो 18 साल से ऊपर है, चाहे वो हाउसवाइफ हैं, चाहे वो प्रोफेसर हैं, चाहे वो लॉयर हैं, डॉक्टर है, कोई शॉपकीपर है, कोई भी है, वो इस इंडस्ट्री में काम कर सकता है और अपने सपनों को जी सकता है, अपने सपनों को पा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, योर ओन बिजनेस। बहुत सारे लोगों को होता है ना कि यार मेरा खुद का व्यवसाय होना चाहिए, तो नेटवर्क मार्केटिंग जहां से आप शुरू करते हैं और जितनी बड़ी टीम आप बिल्ड करते हैं वो पूरी की पूरी टीम आपकी है सर, कंपनी की नहीं है, यानी ये पूरे का पूरा नेटवर्क आपका है, यानी उस नेटवर्क से जितना बिजनेस जनरेट हो रहा है वो पूरे का पूरा बिजनेस आपका है। इसका मतलब नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस आपका बिजनेस होता है, कंपनी के ओनर, सिर्फ कंपनी के ओनर का बिजनेस नहीं होता। हो सकता है कि कंपनी के ओनर की कमाई कम हो आपके काम से और आपकी कमाई ज्यादा हो, यह भी पॉसिबिलिटी है इस बिजनेस में। इसका मतलब यह बिजनेस आपका खुद का बिजनेस होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनकम विल नॉट स्टॉप आफ्टर डेथ। दोस्तों यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हो सकता है बहुत अच्छे शॉपकीपर हों, आपकी डेथ के बाद आपका बेटा उस शॉप को ना चला सके, आपकी वाइफ उस शॉप को ना चला सके। हो सकता है बहुत बड़े क्रिकेटर हैं लेकिन आपकी डेथ के बाद आपके घर में क्रिकेट से कोई पैसा नहीं आएगा। हो सकता है बहुत बड़े लॉयर हैं लेकिन आपकी डेथ के बाद आपके घर में आपकी वकालत से 1 रुपया नहीं आएगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपने टीम बिल्ड कर ली, एक नेटवर्क बना लिया, तो अगर आप इस दुनिया में नहीं भी हैं, आप नहीं हैं, लेकिन आपकी टीम अभी जिंदा है, आपकी टीम में कुछ लोग काम कर रहे हैं, उनके काम करने से आपके घर में पैसा आएगा। लोग कहते हैं ना मुझे नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए, मैं कहता हूं इसलिए आपको नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। और आज भी मेरी टीम में 2-3 लोग ऐसे हैं जिनकी डेथ के बाद उनकी फैमिली में लगातार पैसे जाते हैं। अगला पॉइंट, ट्रांसफर योर बिजनेस टू योर नेक्स्ट जनरेशन। दोस्तों अगर आप दिल्ली के कमिश्नर हैं, जिस दिन आप रिटायर होंगे क्या उस दिन अपनी सीट पर अपने बेटे को बिठा पाएंगे? जी नहीं। आप जज हैं, जिस दिन आप रिटायर होंगे क्या अपनी सीट पर अपने बेटे को बिठा पाएंगे? नहीं। आप बहुत बड़े लॉयर हैं, अब आप रिटायर होना चाहते हैं, अपनी सीट पर अपने बेटे को बिठा पाएंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आप अपनी बिजनेस की आईडी अपनी फैमिली मेंबर्स को ट्रांसफर कर सकते हो, आप अपने बेटे को नाम, बेटी के नाम ट्रांसफर कर सकते हो। ये बेनिफिट नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री देती है। यानी आपने अगर एक बिजनेस में 20,000 लोगों की टीम बना ली, 50,000 लोगों की टीम बना ली, 2,00,000 लोगों की टीम बना ली और अब आप रिटायर होना चाहते हैं और आप अपने पूरे बिजनेस को अपने बेटे को हैंड ओवर चाहते हैं, तो आप अपनी बिजनेस आईडी अपने बेटे के नाम ट्रांसफर कर सकते हैं और आपके बेटे के नीचे पहले दिन 2,00,000, 5,00,000, 20,000, 50,000 लोगों की टीम होगी, वो उसको आगे मल्टीप्लाई कर लेगा अपने पावर लगा के। दोस्तों दिल तो करता है इस इंडस्ट्री के बारे में और बातें करता रहूं, लेकिन वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। इतने ही पॉइंट अगर आपको समझ में आ गए तो मत छोड़िएगा इस इंडस्ट्री को सर, मत दूर रहिएगा इस इंडस्ट्री से, क्योंकि यही इकलौती इंडस्ट्री है जो समय से पहले और भाग्य से ज्यादा देने की ताकत रखती है। दुनिया की इकलौती इंडस्ट्री जो आपको समय से पहले देगी और भाग्य से ज्यादा देगी, इसके अलावा और कोई इंडस्ट्री नहीं है इस पूरी दुनिया में।
दोस्तों अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो तो जरूर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आज का संदेश यही समाप्त करूंगा, और हां ये बता दूं कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा यहां मिलता है। धन्यवाद। जय हिंद।